हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप आज की जो अपनी ऑडियो है, कनाडा नैनी न्यू रूल्स है। तो ऑलरेडी ये जो कनाडा के नए रूल्स आए हैं, जिनकी अनाउंसमेंट अभी हुई है, हाल में पिछले मंथ हुई है, जो इनकी इम्प्लीमेंट है वो 2 नवंबर 2019 से होनी है। पर ऑलरेडी जहाँ वहाँ नैनीस ऑलरेडी वर्क कर रही हैं कनाडा में, जिनको 1 ईयर ऑलरेडी हो चुका है, तो वो अपनी पीआर की एप्लीकेशन लगा सकती हैं। और उनके लिए 4 मार्च 2019 से लेके जून 2019 तक है। तो आप कनाडा की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.canadacn पर वहाँ चेक कर सकते हैं। जो इनकी 3 मंथ तक ही एप्लीकेशन ली जाएगी, ये शॉर्ट टर्म दिया हुआ है, तो ये बहुत अच्छा है नैनीज के लिए। जो इनको 1 ईयर हुआ है तो परमानेंट रेजिडेंस ले सकती हैं, तो इनके लिए बहुत बेनिफिट है। तो ये भी कहना चाहूँगी कि किसी का अगर टूरिस्ट वीज़ा या स्टेट विजिटर वीज़ा लगा हुआ है और वो चाहता है कि मैं नैनी करके चले जाऊँ और उसे वर्किंग वीज़ा कन्वर्ट करना चाहूँ, तो वो कर सकता है। बहुत ईजी है, क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉल्स आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमारे टूरिस्ट वीज़ा लग चुका है और हम उस वीज़े को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसका सेम ही प्रोसेस है, पहले आप 6 मंथ का कोर्स कर लिए, साथ में एक्सपीरियंस मस्ट है, कंपल्सरी है, और कम से कम अपने आलस के बैंड भी होने चाहिए। और वहाँ आपके लिए आप चले जाइए कनाडा में, आपके पास अगर कोर्स है तो आप उसे कन्वर्ट करा सकते हैं। तो आपके पास एम्प्लॉयर होना चाहिए, जो आपको एम्प्लॉयर जो आपको जॉब ऑफर देगा, 3 महीने अखबारों में ऐड निकालेगा। और मैंने ही 3 महीने अखबारों में ऐड निकालने के बाद वो आपको जॉब ऑफर देगा, और उसके बाद LMI आपके नाम पर इशू होगी, और उसे सेम ही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसे अपने वहीं से फाइलिंग लानी पड़ेगी और उसकी इंटरव्यू होगी। और अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो वो वीज़ा को नैनी के वीज़ा में, वर्किंग वीज़ा में कन्वर्ट कर लेता है। और नैनी की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो +2 है। तो आप अगर कनाडा की वेबसाइट पर भी जाते हैं, www.canadacn पर, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का मुझे क्वेश्चन आता है कि हम हाई स्कूल हैं तो हम कर सकते हैं। पहले बताऊँ कि कनाडा मिनिमम +2 वाले बच्चे को लेते हैं अगर हमें नैनी के लिए जाना है। तो अगर आपके मन में कोई डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन हैं जो भी आपके मन में हो रहे हैं, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप मेरे फ़ोन नंबर पर दे सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया, या इंग्लिश कर सकते हैं, या मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।